इसको क्या बोलते हैं मशीन? अमर चरखा। क्या काम करता है ये? ये खादी का कपड़ा बनता है इससे। देखिए, एक चरखा है और यहाँ से ये धागा निकलते जा रहा है और ये निकल कर वहाँ जा रहा है, फिर एक राउंड सर्कल जो बना वहाँ पर वो धागा बना और उसके बाद जो है ये प्रोसेस इधर आ जाएगा। और क्या काम करता है ये मशीन? इससे कपड़ा बनता है। इससे प्रोसेस थोड़ा बताएंगे, कितनी देर में एक साड़ी बन जाता है? 2 दिन लग जाता है। हाँ, कि एक एक धागा देखिए यहाँ कैसे जुड़ता जा रहा है। ये धागा कहाँ से आ रहा है? अच्छा, ये साइटल है, इससे धागा निकलता जा रहा है और ये एक एक कर यहाँ जुड़ता जा रहा है। जब वो अप डाउन करते हैं तो ये धागा निकल कर साड़ी जो है वो बनता जाता है। ये विंटेज कार है और ये महात्मा गांधी इस कार में बैठ कर रामगढ़ महाधिवेशन में गए थे। जो चक्का है उसको देखिए आप, अभी भी ये कंडीशन में है। और इस गाड़ी पर प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन और भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को भी इस कार में बैठने का मौका मिला था। रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में खादी मेला का आयोजन किया गया है, साथ ही सरत महोत्सव भी है। 12 जनवरी तक ये मेला है। खादी का नाम हम जैसे सुनते हैं सबसे पहले हमारे दिमाग में महात्मा गांधी की जो तस्वीर है वो बनती है, और खादी मेला में आए महात्मा गांधी का जिक्र ना हो ऐसा नहीं होता है। इस वक्त आप मेरे पीछे देखिए, ये गाड़ी है, ये विंटेज कार है और ये महात्मा गांधी इस कार में बैठकर रामगढ़ महाधिवेशन में गए थे। इस कार को आप पूरी तरह से जब देखेंगे तो आप देखेंगे ये कितना पुराना है, काफ़ी साल पुराना है। अगर यहाँ इसके ओनर होते तो उनसे पूछकर मैं आपको और डिटेल बताती, लेकिन आपको बता दूँ, आप इसको देखिए, अभी भी ये कार जो है वो अच्छी कंडीशन में है। फोर्ड की कार है और उस समय का नंबर जो है कार में दिया हुआ है। मेले में इस कार को लगाया गया है, ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है पूरे मेले का। यहाँ पर एक बोर्ड भी लगाया गया है जिसमें लिखा हुआ है कि एक ऐतिहासिक कार है। इसी कार में बैठकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 1940 में रामगढ़ में आयोजित कांग्रेस पार्टी के महाधिवेशन में शामिल हुए थे। तो उस समय ड्राइविंग करने का मौका जो था वो रांची के राय साहब लक्ष्मी जी को मिला था। और इस गाड़ी पर प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन और भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को भी इस कार में बैठने का मौका मिला था, यानी वो भी इस कार की सवारी जो है कर चुके हैं। इस ऐतिहासिक फोर्ड कार को आदित्य विक्रम जायसवाल राज परिवार जमालपुर व रांची के डिस्टलरी में आज भी इन्होंने इसको संभाल कर रखा है। तो ये कार आप देखिए बहुत ही एंटिक कह सकते हैं आप, ये धरोहर है रांची के पास ये कार गाड़ी। और आज भी जब गांधी जयंती का मौका आता है उस वक्त कई समाचार पत्रों में या कई न्यूज़ चैनलों में दिखाने की कोशिश की जाती है इस गाड़ी को। और यहाँ देखिए महात्मा गांधी की एक यात्रा जो है वो भी दिखाई जा रही है कि कैसे देश जब आज़ाद नहीं हुआ था उस वक्त कैसे महात्मा गांधी की यात्रा जो थी देश में, वो देश को आज़ादी दिलाने की लड़ाई जो है वो लड़ रहे थे, चाहे वो खादी के जरिए हो, चाहे वो उनके चंपारण की यात्रा हो, वीडियो ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए पूरा विजुअल इस वक्त ऊपर जो है सब जगह खादी के कपड़े लगाए गए हैं, यानी खादी से दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि मेला जो है खादी मेला है और यहाँ महात्मा गांधी से जुड़ी हुई चीज़ों को दर्शाया गया है। तो पूरे मेले में आप जब आएंगे, आपको मुख्य गेट से जब आप एंट्री करेंगे उसी वक्त दाहिने साइड में आप देखेंगे कि ये गाड़ी जो है यहाँ पर लगाया गया। आपको एक बार और राउंड करके हम दिखा देते हैं गाड़ी का। आप देखिए ये जो चक्का है उसको देखिए आप, अभी भी ये कंडीशन में है। और यहाँ विक्रम जायसवाल जी के यहाँ से, जहाँ आदित्य विक्रम जायसवाल जी के यहाँ से इस गाड़ी को लाया गया है, तब सोचिए कि ये गाड़ी अभी भी कंडीशन में है, चल रही होगी। इसकी आप सीट देख लीजिए, चाहे आप इसके स्टेयरिंग देख लीजिए, स्टेयरिंग साइड भी आप देखेंगे तो सब कुछ। तो ये बहुत हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि महात्मा गांधी ने जिस गाड़ी में बैठकर अधिवेशन में वो गए थे रामगढ़ तक,
वो कार हमें देखने का मौका मिल रहा है। आप देखिए विंटेज कार है, कितना खूबसूरत है ये, सामने से देखने पर ये बहुत अनोखा लग रहा है। एक आकर्षण जो है मेले में बना हुआ है कि हमें देखने का इस कार को, जो कह सकते हैं कि सौभाग्य मिला। एक अलग सेक्शन ही गांधी संग्रहालय के नाम से बनाया गया है और वहाँ देखिए इसी सेक्शन में जहाँ आप कार देखेंगे वहीं देखेंगे कि कुछ महिलाएं जो हैं वो चरखा चला रही हैं। चरखा से धागों को काटने का जो है वो प्रक्रिया दिखाया जा रहा है। यहाँ देखिए इनसे पूछ लेते हैं कि क्या कर रहे हैं। दीदी क्या कर रहे हैं? कॉटन बना रहे हैं, कॉटन बना रहे हैं साड़ी तैयार करने के लिए। इसको क्या बोलते हैं? मशीन अमर चरखा। क्या काम करता है ये? खादी का कपड़ा बनता है इससे जी। कैसे प्रोसेस है थोड़ा दिखाएंगी? यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे फिर इसमें आया, फिर यहाँ से फिर इससे यहाँ पे आ रहा है, फिर यहाँ पे बना रहे, फिर ये बना रहे, तब फिर वहाँ पे तैयार होगा साड़ी। अच्छा, एक प्रोसेस यहाँ पर होकर जाता है फिर वहाँ चला जाता है। देखिए एक चरखा है और यहाँ से ये धागा निकलते जा रहा है और ये निकल कर वहाँ जा रहा है, फिर एक राउंड सर्कल जो बना वहाँ पर वो धागा बना और उसके बाद जो है ये प्रोसेस इधर आ जाएगा और इधर आपको देखने को मिलेगा कि कैसे धागों से जो है वो कपड़े बनते हैं। इस मशीन का क्या नाम है वो भी देखेंगे, क्या इससे बन रहा है वो भी समझेंगे। भाई साहब ये क्या नाम है इस मशीन का? हैंडलूम मशीन है ये। और ये क्या काम करता है इनसे पूछ कर हम जान जाते हैं, क्या काम करता है ये मशीन? इससे कपड़ा बनता है। इससे प्रोसेस थोड़ा बताएंगे? प्रोसेस धागा से कपड़ा तैयार किया जाता है। रखते हैं धागा, धागा वहाँ बन रहा है, धागा बनने के बाद बीम बनाया जाता है, फिर कपड़ा बनाया जाता है। कितनी देर में एक साड़ी बन जाता है? 2 दिन लग जाता है। हाँ देखिए ये पूरे मशीन को आप देखिए, ये हैंडलूम मशीन है और इसी मशीन से जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो तैयार होते हैं। आप इधर आकर दिखाएंगे, मैं चाहूँगी कि आप कैमरा इधर लेकर आए, फिर आपको दिखेगा कि एक एक धागा देखिए यहाँ कैसे जुड़ता जा रहा है। ये धागा कहाँ से आ रहा है? धागा साइकिल से आ रहा है। साइकिल कहाँ है? साइकिल इसको बोला जाता है। अच्छा देखिए ये साइकिल है, साइकिल साइकिल है। अच्छा ये साइकिल है, इससे धागा निकलता जा रहा है और ये एक एक कर यहाँ जुड़ता जा रहा है। जब वो अप डाउन करते हैं तो ये धागा निकल कर साड़ी जो है वो बनता जाता है और इस साड़ी को बनने में करीब 2 दिन का समय जो है लग रहा है। तो देखिए खादी मेला है तो ज़रूरी है कि सारी चीज़ें हम आपको दिखा दें कि कैसे एक एक धागा मिलकर जो है एक कपड़े का निर्माण करता है और उसके पीछे कितनी मेहनत जो है वो रहती है। और गांधी जी ने खादी का संदेश दिया था, गांधी जी का नाम आते ही हमें सबसे पहले खादी का नाम समझ में आता है। ये देखिए सभी चरखा का पार्ट है और ये यहाँ से धागे जो है वो निकाले जा रहे हैं, फिर साइकिल पर लगाया जा रहा और उसके बाद फिर जाकर मशीन से जो है वो कपड़े बनाए जा रहे हैं। तो आपको खादी मेला आना चाहिए, इन सारे प्रोसेस को आपको देखने में मज़ा आएगा, आप समझेंगे कि ये कैसे जो है कपड़ों का निर्माण किया जा रहा है। ये देखिए ये पूरा धागा है, बारीक धागे जो हैं ये सभी बनकर ऐसी साड़ियों का निर्माण करते हैं, तो काफ़ी समय लगता है। छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ आकर जो है वो समझ में आती है, पहले धागे का निर्माण होता है और उसके बाद इधर आकर हैंडलूम मशीन में साड़ी का। The follow-up.in, like, share, and subscribe.